वहीं हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। धूमल ने कहा कि हिमाचल की देवभूमि अब अपराध भूमि बनकर रह गई है और कांग्रेस सरकार मानती है कि विकास हुआ है, तो ये सरासर गलत है। धूमल ने कहा कि बहुत जल्द ही प्रदेश में सरकार बदलने वाली है और सत्ता परिवर्तन भी होने वाला है। धूमल ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध मामलों में बढ़ोतरी हुई है और प्रदेश सरकार मंडी रैली को विकास रैली का नाम दे रही है, तो ये कैसी विकास रैली है, प्रदेश सरकार ही बताए। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को अपराध भूमि बनाकर अगर हिमाचल की कांग्रेस सरकार और पार्टी ये मानती है कि विकास हुआ है, तो हम समझते हैं मूल्यों का विनाश हुआ है, मूल्यों का ह्रास हुआ है, प्रदेश का नुकसान हुआ है, विकास के मामले में प्रदेश पिछड़ गया है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, बच्चियों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्याएं हुई हैं, क्या ये विकास है। मैं मानता हूँ कि ये जो विकास रैली का नाम दिया जा रहा है वास्तव में प्रदेश के विनाश की झलक होगी और निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत जल्दी प्रदेश में चुनाव होने वाला है, सत्ता बदलेगी और विकास के लिए काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के एम्स पर हिमाचल के हक की बात पर धूमल ने कहा कि अगर एम्स पर हिमाचल का हक था तो भी बीजेपी ने उसे दिलवाया है। उन्होंने कहा कि एम्स को बीजेपी लेकर आई है और हमीरपुर का रुका हुआ मेडिकल कॉलेज भी आज तक अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार भी सीरियस नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बयानबाजी करने में व्यस्त है। हम ये मानते हैं अगर हिमाचल का हक था तो 60 साल कांग्रेस सत्ता में रही, हिमाचल का हक दिया क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी आई तभी हक मिला है, इसने हक भी था तो हक हमने दिलाया है, हम लाए हैं, कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पाई। हमीरपुर को मिला मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के कारण रुका पड़ा है, नहीं तो यहाँ भी क्लासेस शुरू हो गई होती।